रामपुर के रण में सियासी घमासान के बाद अब परिणाम आने बाकी हैं। कल रामपुर के नवीन मंडी परिसर में मतगणना होनी है। नगर निकाय और स्वार विधानसभा में हुए उपचुनाव को लेकर यहां कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। नवीन मंडी परिसर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो मंडी गेट के बाहर हो चाहे मंडी गेट के अंदर, सभी जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी और सुरक्षा के दृष्टिगत हर जगह पुलिस लगाई गई है। इसके साथ ही 14 टेबल्स पर 56 कर्मी स्वार विधानसभा उपचुनाव की गणना करेंगे। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर भी यहां पर मतगणना की जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल की मतगणना के बाद क्या परिणाम निकल के सामने आते हैं, क्योंकि स्वार की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। जहां एक तरफ अपना दल से शफीक अहमद अंसारी को मैदान में उतारा था, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने अनुराधा चौहान को इस बार मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारा था। तो देखना दिलचस्प होगा क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी वहां पर अपना वर्चस्व कायम रख पाती है, या फिर शफीक अहमद अंसारी जो कि अपना दल से चुनाव लड़े हैं वह इस सीट पर वर्चस्व हासिल करते हैं। देखिए, जो हमारे निकाय चुनावों की और स्वार का जो हमारा बाई इलेक्शन हुआ था उसकी मतगणना की पूरी तैयारी हमने कर ली है, और हमारे जो ऑब्जर्वर साहिबान हैं उनकी देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोग रामपुर मंडी में हैं और यहाँ पर जो काउंटिंग की व्यवस्थाएं उन्हें देखने के लिए आए हुए हैं। पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, जो और छोटी चीज़ें होती हैं जो कल पे निर्भर होती हैं उनको कल कर लिया जाएगा, और सभी कैंडिडेट्स को सूचित कर दिया गया है। सभी काउंटिंग एजेंट्स जो हैं वो बन गए हैं, तो कहीं कोई इशू नहीं है। बढ़िया तरीके से मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। सर, स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कितनी राउंड में? टोटल हमारी 14 टेबल है और 330 बूथ हैं वहाँ पर, तो एक बार में 14 बूथ की उसमें काउंटिंग की जाएगी। तो उस हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया है जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं? सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त इंतजाम है। हमारा मंडी परिषद में भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, और बाहर भी, और जो शहर के और हमारे जनपद के मुख्य स्थल हैं, मुख्य चौराहे हैं, वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट जीतेगा, विजयी होगा, उनको बिना किसी जुलूस आदि के निकाले हुए सीधे अपने घर जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर प्रभावित ना हो पाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।